नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। आज हम लोग उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे पर अभी पूरे सोशल मीडिया पर एक कोल्ड वार जैसा छिड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जेबी केसेस के द्वारा एक धनबाद लोकसभा को लेकर एक नए उम्मीदवार का चयन किया गया है। उसको लेकर पूरे सोशल मीडिया में लड़ाई है। कुछ लोग उसमें सहमत भी हैं, कुछ भी लोग सहमत नहीं भी हैं। तो उनका जो है, कुछ लोग जेबी केसेस का ही विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग जयराम का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जयराम के सपोर्ट में भी है। तो क्या कुछ है उसके बारे में आपको पूरा आज डिटेल में बताऊंगा। क्यों ऐसा कोल्ड वार, पूरा फेसबुक में गाली गलौज, इधर उधर की बातें को लेकर पूरा लोगों को उलझाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर पूरा बात और डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। पूरा आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, उसके बाद अपना विचार भी अपना कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये बात है कुछ दिन पहले की। आपको बता दें कि जयराम ने जब अपना घोषणा किया कि वह गिरिडीह लोकसभा से अपना चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, हाल में ही कुछ दिन पहले जो है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए एक नए उम्मीदवार को चुना गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि करण कुमार या तो फिर रिजवान दा को ही धनबाद से लड़ने के लिए उम्मीदवार चुना जाएगा, लेकिन अचानक से जेबी केसेस में एक नए उम्मीदवार को जो है धनबाद में ले आए। उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुआ और अभी भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे जो आंदोलन में सक्रिय थे, उन लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे त्रिनाथ आकाश अभी खुलेआम जो है उनका विरोध कर रहे हैं, और सारा कुछ बहुत सारे लोग हैं, ऐसे जितने भी आप फेस वैल्यू जिनका बन गया है, वो सभी लोग लगभग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग सहमत भी हैं। तो क्या कुछ है पूरा आपको बता रहे हैं दोस्तों। विरोध का सबसे पहला कारण ये आ रहा है कि एक अननोन व्यक्ति को इतने बड़े लोकसभा से खड़ा कर देना गलत बात है, जो कि मैं भी सहमत करता हूँ कि एक इतने बड़े विधानसभा में और ऐसे व्यक्ति के प्रति उनका टक्कर है, जो कि एक पहले से उस क्षेत्र के रमे हुए और एक चर्चित चेहरा है, उनके विरुद्ध यदि आप ऐसे एक अननोन चेहरा को खड़ा करते हैं तो ये गलत है। मेरा ओपिनियन ये है और आपका ओपिनियन भी शायद यही होगा। दूसरी बात ये है कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए, उसमें इस व्यक्ति का कहीं तक और कहीं भी थोड़ा सा भी योगदान आपको नहीं दिखा होगा। और एक बात ये भी है कि आज तक इस चेहरे को आप लोग इतने बड़े आंदोलन में, पूरे 2 साल तक हमारा आंदोलन चला, आप लोगों ने इस चेहरे को कहीं भी नहीं देखा होगा। यदि ये होंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन आप लोगों में से लगभग मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 99% लोग इस चेहरे को नहीं जानते होंगे। तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इस चेहरे को वोट देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये जयराम के नाम से उनको वोट मिल जाएगा। आपको बता दें कि आप जयराम कहाँ कहाँ देखेगा। गिरिडीह में यदि जयराम खड़ा है तो धनबाद के लोग क्यों देंगे भाई वोट ऐसे आदमी को, जिनको कोई जानता ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वोट जयराम के नाम पर कितना दे, 10,000 दे दोगे या 10,000 5,000 दे दोगे भाई। आप ये सोच के देखो, आप अपने पे लेके देखो कि आप जिस भी लोकसभा से हो, वहाँ क्या आप एक नए उम्मीदवार को बिना जाने पहचाने उम्मीदवार को खड़ा जिताना चाहोगे? नहीं चाहोगे, ऑब्वियसली बात है कि नहीं चाहोगे। और कोई भी आदमी नहीं वोट देगा जिसको जानता ही नहीं है। अब कुछ लोग बोले कि जयराम के नाम से वोट मिल जाएगा। देखो भाई, जयराम के नाम से 5,000 वोट मिल सकते हैं, 8,000 मिल सकते हैं, तो जीतने लायक वोट नहीं मिलेंगे। लोग उनको जानता ही नहीं है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका बोलने की एक कला कैसी है, वे लोग के बीचों में कैसे लोगों को संबोधन करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, लोगों के बीच अपना बात को रख पाते हैं या फिर नहीं पाते हैं, उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है या फिर नहीं है, ये वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जयराम का एक पार्टी है तो वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसे में वोट मिलेंगे, 4-5 हज़ार मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, जो उनके जो पर्सनल होते हैं, उनके बॉडीगार्ड जैसा रहते हैं, वे लोग देंगे। पूरी जनता तो नहीं ना देगी, पूरी जनता चाहेगी कि एक ऐसा लीडर हो हमारे क्षेत्र में जो वहाँ की बातों को रख सके, लोगों की समस्याओं को समझ सके और उनकी बातों को पूरे लोकसभा में, संसद भवन में रख सके। तो ऐसे लीडर को चुना जाता है। अब कुछ लोग ये भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो मुस्लिम है इसलिए उनका विरोध हो रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम है इसलिए विरोध नहीं हो रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि एक नए प्रत्याशी हैं और उनको कोई जानता नहीं है। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि यदि मुस्लिम है तो मुस्लिम कैटेगरी में भी रिजवान दा हैं, उनको खड़ा कर दिया जाए, उनको लोग जानते हैं, उनकी बोलने की कला को भी लोग देख चुके हैं,
उनको जो सभा को संबोधन करने का भी एक तरीका अलग है। तो जिसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी लोग उसी को चुनेंगे। उसमें जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो लीडरशिप में हमें दो कैटेगरी में अभी वहाँ धनबाद के लिए दो जो है नाम चर्चित दिख रहे थे, एक करण और एक रिजवान। कुछ लोग धार्मिक मुद्दे को लेकर कर रहे हैं तो रिजवान को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि रिजवान के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो कि हम लोग सभी पूरे आंदोलन में देख चुके हैं, वो लोगों को अच्छे से संबोधन करते हैं। और करण भी एक अच्छा उम्मीदवार थे, यदि आप करण को कर सकते हैं, करण भी अच्छे उम्मीदवार हैं। वो उसी को लेकर तीर्थनाथ जी पूरे फेसबुक में अपना बात को रख रहे हैं। उनका कहना है कि हम कोई भी पार्टी से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा पार्टी जो है हमको इस पार्टी से लेना देना है, JBKCS से, जो कि अब नाम होगी JLGM, उससे हमारा संबंध है, क्योंकि ये आंदोलन पार्टी है और इसको हम लोग शुरू से लीड करते आ रहे हैं। तो इस पार्टी से हम सवाल करेंगे, और ऑब्वियसली बात है कि हम लोग उनको इतना दिन से 2 साल से 3 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सवाल करना बनता है कि क्यों भाई आप ऐसा क्यों किए। हमारे अंदर दो लीडर हैं, रिजवान हैं, करण है, और भी बहुत सारे लीडर हैं। ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यही दो लोग को, और भी बहुत सारे लीडर हैं जो कि पूरे आंदोलन में दिखे थे, उन लोगों को चुना जाए। इस यही बात तो है जो तीर्थनाथ आकाश का भी कहना था, लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो तीर्थनाथ को हेट देने से कोई मिलने वाला नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, और ना ही मैं तीर्थनाथ का कोई ऐसे चमचे वगैरह हूँ। मैं इस सत्यता पे बात कर रहा हूँ कि भाई देख, उसी को वोट मिलता है जो जिनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ये बात मैं तीर्थनाथ पे 100% ये एग्री करता हूँ। उसके बाद रही बात कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुछ लोग कि नहीं, ये जयराम का ही कहना है कि मैंने ये तीर्थनाथ के मुँह से सुना था। मैं ये पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि जयराम ही बोले थे, ये तीर्थनाथ के मुँह से उन्होंने कहा था कि जयराम ऐसा बोलते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में मुस्लिम लीडर एक होना चाहिए। देख भाई, आबादी पे मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि आबादी पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसे में तो तुम बोलोगे कि यहाँ पूरा मुस्लिम कैटेगरी तो मुस्लिम लीडर, नहीं भाई, वहाँ पे मुस्लिम लीडर दिया जा सकता है, जो जबकि वहाँ पे एक मुस्लिम लीडर दिया जा सकता है यदि मुस्लिम लीडर में वो क्वालिटी है। तो यदि आप पार्टी को लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग फॉरएवर तक चलाना चाहते हैं, यदि ऐसे बड़े क्षेत्र को जीतना चाहते हैं, तो एक ऐसा लीडर को चुनना पड़ेगा जो कि एक अच्छा सुवक्ता हो, लोगों के बीच में बोल पाता हो, तभी दे सकते हैं। तो ये बहुत तीर्थनाथ जी का जो है स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, कि ऐसे लीडर को चुने जो कि एक सब जानता हो, और जिसमें से रिजवान, करण, ये लोग को सभी लोग जानते हैं, उन लोग अच्छा वक्ता भी हैं। लोगों के बीच उनका विरोध करने का तरीका आप देख सकते हैं, बहुत सारे इधर उधर के विरोध को जो है करण दा, रिजवान दा, लोगों को समझाने का तरीका उन लोगों की क्वालिटी है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एक मुस्लिम लीडर हो तो इसलिए विरोध हो, तो ये गलत बात है, और जो भी तीर्थनाथ कह रहे हैं ये गलत बात। और ये भी गलत बात है कि ऐसा है कि पार्टी में एक मुस्लिम लीडर होना, ये भी गलत बात है। कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुस्लिम लीडर ना हो, लेकिन जो उसके लायक हो। रिजवान जी को बना दीजिए, 100% एग्री है, और पूरी जनता भी एग्री होगी। तो मैं भी इसका विरोध करता हूँ कि ऐसे, मैं भी ये बोलता हूँ कि ये गलत हुआ। कहीं ना कहीं इतने बड़े ढोलू महतो के, समझ रहे हैं आप, ढोलू महतो के अगेंस्ट में यदि आप कोई प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल ही नहीं बनता है कि आप ऐसे लीडर को जिनको कोई जानता ही नहीं है उनको खड़ा कर दिए हैं, और बोलते हैं कि मैं यहाँ का जो विधान लोकसभा को जीतना चाहता हूँ। तो ये गलत बात है और ये हो भी नहीं सकता है। दूसरी बात, यदि आपको जीतने का ही नहीं मन है तो आप किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। यदि आपको उस लोकसभा को जीतने का ही मन नहीं है तो आप किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो विरोध करना, आप लोग भी चाहते हैं तो विरोध कर सकते हैं, बाद बाकी आपका क्या विचार है अपना कमेंट में कर दीजिएगा। और तीर्थनाथ को भी किसी का जो है आंदोलनकारी को हेट देना गलत बात है, उनके प्रति जो आप लोग आप सब लिख रहे हैं फेसबुक में, ये भी गलत बात है। तो यदि आपका भी कोई विचार है, आपको इन बातों में कहीं भी अच्छी बात लगी कि नहीं ये चीज़ सही बोला आपने, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका भी कोई सुझाव है तो आप भी सुझाव ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।